झालावाड़ जिले की नई पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन ने शनिवार को झालावाड़ पहुंचकर अपना पदभार संभाल लिया। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचने पर नई एसपी मोनिका सेन को पुलिसकर्मियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद उन्होंने जेल के आला पुलिस अधिकारियों से परिचय लिया, जिसके बाद उन्हें अपने कक्ष में जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश यादव ने पदभार ग्रहण करवाया। गौरतलब है कि इसके पहले झालावाड़ की पुलिस अधीक्षक रही डॉक्टर किरण सिंह सिद्धू का स्थानांतरण आरएससी बटालियन दिल्ली में हो गया है। उसके बाद जिले की दूसरी महिला कप्तान के तौर पर आज अपना पदभार संभालने के लिए नई एसपी मोनिका सेन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जिले में महिलाओं और बच्चों और बुजुर्गों के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकना उनकी पहली प्राथमिकता में शामिल होगा। साथ ही झालावाड़ जिले के सीमावर्ती मध्य प्रदेश के जिलों से लगने वाली सीमाओं से होने वाली तस्करी समेत अन्य अपराधों पर लगाम लगाना भी उनकी प्राथमिकता में शामिल होगा। नई एसपी ने पदभार ग्रहण करने के बाद जिले के कई पुलिस अधिकारियों से भी जिले में होने वाले अपराधों को लेकर फीडबैक लिया। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज़, और प्रेस करें बेल आइकन को।